बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा उर्दू चैनल लाइव विद शाहिद खान। दोस्तों, आज फिर एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी हम लिनक्स ट्यूटोरियल के ऊपर काम करेंगे और फंक्शन को देखेंगे कि उनमें कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बड़ी अहम हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, और लिनक्स की जो कमांड लाइन हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि उनकी अफादियत, उनका यूटिलाइजेशन क्या है और कैसे है। तो सबसे पहले तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक फौरन पहुँच जाएंगे। तो आप लिनक्स डिस्ट्रो को ओपन कर लें। ये हमारे पास वीएमवेयर के अंदर हमने जो शेल है वो ओपन कर लिया है, और यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख लें कि आप को मैं यानी फंक्शन हैश के साथ जब भी हम कोई चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम पाइथन में सीख चुके हैं कि कमेंट के लिए जो हैश फंक्शन को हम यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए जब हम इसको यूटिलाइज करेंगे, ये देखें तो ये फंक्शन हमारा इसने कोई इंप्लीमेंट नहीं किया और इसको एज ए यानी कि इसने कमांड के नहीं लिया बल्कि कमेंट के तौर पे इसको लिया और ये लिखा रह गया। ठीक है, ये आपके जहन में हो। आज हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फंक्शन को हम नई कमांड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम किसी भी कमांड के काम करने के तरीकाकार को बदलने या कोई भी मखसूस काम करने के लिए फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन को लिखने के लिए आपके पास प्रोग्रामिंग का इलम होना जरूरी है। अमूमन फंक्शन और एल्सेस जब हम शेल को खोलते हैं तो ये हमारे पास उसके साथ ही इंपोर्ट हो जाते हैं, बिल्ट इन होते हैं बेसिकली। तो उसमें से सबसे पहले हम कोटिंग को डिस्कस करते हैं। हमारे पास प्रोग्रामिंग में लिनक्स बहुत ज्यादा जगहों पर कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शेल को पता चल सके कि हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है या तो इसको नजरअंदाज करना है या इसे एक आम लिखे गए डेटा से एक मुख्तलिफ अंदाज में इसको पढ़ना है और इसकी हदायत के मुताबिक अमल भी करना है। इन सब चीजों के बारे में अब हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है डबल कोटेशन के लिए कि डबल कोटेशन यहाँ पे क्या है। तो यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं डबल कोट्स, ठीक है, वो इस तरीके से आपको नजर आएंगे, ये इंटर के पास आपको मिल जाएंगे सिंगल कोट भी और डबल कोट भी। सबसे पहले डबल कोट को देखते हैं हम कि ये क्या होते हैं। डबल कोटेशन मार्क जो बेसिकली हमारे पास स्पेशल करेक्टर या ग्लोब करेक्टर को हमारे शेल में मुदाखलत करने यानी कि ये रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे हम डबल कोट्स के दरमियान कोई भी ग्लोब करेक्टर या स्पेशल करेक्टर्स लिखते हैं जिनकी स्पेशल इंप्लीमेंट्स होती हैं तो वो उसको अवॉइड करेगा या उस पर इंप्लीमेंट करेगा। इसकी मिसाल हम देख लेते हैं कि हम एको, हमारे पास पता है कि हम एको से स्क्रीन पे चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम स्पेशल करेक्टर यहाँ पे एको का लें स्टार स्टेरिक, तो इसको जैसे हम प्रिंट करेंगे तो हमारे इस लाइन के ऊपर जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी वो ये शो कर देगा सारी की सारी। ठीक है, ये इसका स्पेशल करेक्टर है। ओके, ये हमने बगैर कोट्स के इस्तेमाल किया डबल कोटेशन के। तो अगर हम इसको इसके अंदर लिखते हैं तो फिर इसके रिजल्ट देखते हैं कि ये क्या देता है। ठीक है, एको और ये डबल कोट हमने यहां पे एंटर किया और यहां पे हम लिखते हैं द ग्लोब करेक्टर्स और स्टार और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स एंड ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इसकी जब हम कमांड ये देखेंगे तो ये शो किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि एज इट इज इसको प्रिंट करना चाहिए लेकिन डबल कोट्स की वजह से ये देखें द ग्लोब करेक्टर्स आर स्टैरिक क्वेश्चन मार्क्स एंड ब्रैकेट्स को इसने एज इट इज शो किया।
जबकि पहले वाले में इसने जो सारी डायरेक्टरीज थी वो शो की थी स्टेर के साथ। तो इस तरीके से हम डबल कोट्स के साथ इन चीजों को हम शो कर सकते हैं, और डबल कोट्स के अंदर जो स्पेशल करेक्टर्स हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यानी कि रोक देता है, और जो एज इट इज शो करने की इसकी सलाहियत है उसको मुताबिक ये इम्प्लीमेंट करता है, इस तरीके से ये शो ऑन कर देता है। अब लेकिन उसके साथ साथ एक और ऑप्शन भी है कि अगर हम डबल कोट्स के अंदर किसी वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो वो वेरिएबल ये शो करेगा। उसकी मिसाल देखते हैं, एको इसके अंदर मैं लिखता हूं द पाथ इज, आपको याद होगा कि हम जो इसके पाथ है यानी कि वेरिएबल्स को शो करने के लिए डॉलर साइन, और उसके बाद अगर हम पाथ लिखते हैं तो इसको पाथ शो करेगा। ठीक है, एको दिस द इज, मैंने यानी कि द पाथ की जगह यहां पे मैं पाथ लिख देता हूं, पाथ इज। ठीक है, तो यस द पाथ इज एज इट इज। ठीक है, ये इसने पूरे का पूरा पाथ शो कर दिया इसका। तो इस तरीके से ये वेरिएबल यानी कि उसके अंदर लेगा, जबकि वो पाथ भी ले रहा है, और ऊपर वाले यानी कि एग्जांपल में इसने एज इट इज प्रिंट किया है, उससे ऊपर वाले यानी कि एग्जांपल में इसने जो स्पेशल करेक्टर्स हैं उसको प्रिंट भी करवाया है। तो ये डबल कोट्स के हमारे पास एग्जांपल हैं, ये हमने देखी, इसको आप इंप्लीमेंट कर लें कि ये तीन यानी कि सिनेरियो हैं, इसमें हम मुख्तलिफ तरीके से डबल कोट को प्रिंट करवा सकते हैं अपनी यानी कि लिनक्स शेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्लियर करता हूं मैं, नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो होगा सिंगल कोट, सिंगल कोट्स। ठीक है, वो इस तरह, दैट्स इट। ठीक है, इसको हम सिंगल कोट कहते हैं। ये हमारे शेल में किसी भी किस्म की मुदाखलत को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे फिर वो ग्लोब हो या फिर कोई वेरिएबल या कोई भी कमांड हो। जैसा कि यानी कि हमारे पास डॉलर का मतलब ये होता है, डॉलर साइन का मतलब ये होता है कि हमारे पास वेरिएबल की जो वैल्यू मेमोरी में महफूज है इसको हमारे स्क्रीन पर जाहिर कर दे, लेकिन अगर हम इसको सिंगल कोट के दरमियान लिखेंगे तो उसकी आउटपुट हमारे पास नहीं आएगी। अब इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, एको और उसके बाद द कार कॉस्ट, और उसके बाद ये प्रिंट करता हूं। तो ये देखें कार की जो वैल्यू थी यानी कि कॉस्ट की इसने ली है 00, जो ऑलरेडी हमने इसमें फीड की है इसकी वेरिएबल की, एंड डॉलर साइन के साथ 100 की जो वेरिएबल यानी कि वैल्यू है वो इसने यहां पे शो कर दी। ठीक है, अगर हम इसको वो सिंगल कोट के अंदर लिख दें तो फिर क्या रिजल्ट देगा ये, द कार कॉस्ट्स एंड डॉलर साइन एंड 100। ठीक है, अब आपके ख्याल में इसको क्या प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, फर्क सिर्फ इसमें कोट का आया है। अब इसके देखें द कार कॉस्ट इज $100। ठीक है, इसने उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं की यानी कि वेरिएबल को नहीं लिया उसने, जबकि उसने एज इट इज ही प्रिंट किया यानी कि उसकी वेरिएबल इसने रोक दी, जबकि लास्ट जब डबल कोट्स हमने लिखे थे उसमें जब हमने वेरिएबल को पुट किया था तो उसने उसकी वैल्यू ली थी। ठीक है, उसका यानी कि पाथ लिया था, इसमें इसने उसको रोक दिया और उस यहां पे उसने एज इट इज ही प्रिंट कर दिया। ये आपको देखना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम यानी कि देखेंगे क्लियर, और उसके बाद हम करते हैं बैकलैश, बैक स्लैश। ठीक है, वो आपको एंटर के ऊपर नजर आ जाएगा इस तरह का निशान, बैक स्लैश। ओके, तो इसको हम यानी कि बेसिकली इस तरह यूज कर सकते हैं कि बैक स्लैश के साथ जब हम चीजों को एंटर करेंगे तो वो इसको वेरिएबल एक जहां यानी कि ये एंटर हो जाएगा बैक स्लैश तो उसको वो रोक लेगा, उसकी वैल्यू को रोक लेगा, जहां पे ये नहीं आएगा उसको इसकी वैल्यू को ये आने देगा। अब मिसाल के तौर पे इसको समझने के लिए हम कैसे इसको प्रिंट कर सकते हैं, एको, अब मैं इसको द कार कॉस्ट
हंड्रेड एंड द पाथ पाथ, ठीक है। हम इस तरीके से अब इसको अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये देखें आपको क्या रिजल्ट देगा, द कोर कॉस्ट इज 00 एंड द पाथ इज 0, ठीक है। इसने पूरे का पूरा यहां पे प्रिंट कर दिया, यानी कि 100 की वैल्यू प्रिंट कर दी और पाथ भी प्रिंट कर दिया, यानी कि इसने इको के साथ जो प्रिंट किया डबल कोट्स के साथ। अगर हम एक की वैल्यू नहीं करवाना चाहते दूसरे की करवाना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसी को हम यानी कि देख लेते हैं। और यहां पे मैं फर्ज करो मैं इसकी वैल्यू को नहीं करवाना चाहता 00 को, ठीक है, तो आप यहां पे ठीक है बैक स्लैश दे दे, दैट्स इट। अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है, ये देखें द कोर कॉस्ट इज $100 एंड द पाथ, ठीक है, यानी उसने $100 को एज इट इज लिया लेकिन उसकी वैल्यू जो कि ऊपर वाली मिसाल में 00 थी वो नहीं ली जो कि वैल्यू थी इसकी, ठीक है। अगर दोबारा मैं इसको प्रिंट करता हूं और पाथ को भी हम बैक स्लैश के साथ प्रिंट करते हैं तो ये एज इट इज ही प्रिंट कर देगा, द कार कॉस्ट इज $100 एंड द पाथ इज पाथ, ठीक है। यानी बैक स्लैश किसी को अवॉइड करने के लिए, किसी चीज को आप अपने फार्मूले के अंदर या अपने जो कोट्स हैं उसके अंदर लिखना चाहते हैं या अपने प्रोग्रामिंग के अंदर लिखना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करेगा, ठीक है। अब उसके साथ हम नेक्स्ट जो देखेंगे क्लियर, और उसके बाद हम देखते हैं बैक कोट्स, ठीक है, ये भी हमारे पास होते हैं। और बैक कोट्स को हम यानी कि शो करने के लिए यहां पे कैसे शो करेंगे ये आपने देखना है, दैट्स इट। ये आपको टैब के ऊपर मिलेगा, मेरे पास टैब के ऊपर है, ठीक है, ये बैक कोट है। अब इसको बैक कोट्स को हम कैसे शो कर सकते हैं, ये हमारे पास कमांड के अंदर कमांड को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम यानी कि कमांड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले तारीख को प्रिंट करते हैं तो उसके लिए मैं डेट लिख देता हूं, ये देखें आज की डेट आ चुकी है, ओके सिंपल इज दैट। आप डेट देखना चाहते हैं तो आपको डेट नजर आ गई, लेकिन अब अगर हम इसको इको की कमांड के साथ लिख दें तो ये हमारे पास इस तरह जाहिर करेगा, इको और टूडे इज डेट, ठीक है, तो ये देखें टूडे इज डेट, तो ये यानी कि सिंपल इसने टूडे इज डेट सिंपल लिख दिया। अब अगर हम बैक जो कोट्स हैं उसके साथ इंटर करेंगे तो उसके रिजल्ट मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। अब हम इसको करते हैं एको और उसके बाद टू डे बैक स्लैश बैक कोट सॉरी, और उसके बाद हम इसको यहां पे लिखेंगे डेट, दैट्स इट। तो ये देखें टुडे संडे उसने लिख दिया, यानी उसने डेट को मेंशन किया जबकि उससे ऊपर उसने नहीं मेंशन किया था। अब इसको टुडे मैं यहां पे इसको मजीद लिखता हूं इस, ठीक है, आप इसको देख लें इसके रिजल्ट फिर भी हुई, टुडे इज संडे 5 सितंबर फला फला फला, ओके। अब अगर हम इसको मजीद इनहांस करना चाहते हैं तो इसको एको और लिखता हूं मैं टुडे सॉरी टूडे बैकलैश सॉरी बैकवोट और उसके बाद डेट उसके बाद एंड और उसके बाद फिर बैकवोट और उसके बाद मैं यहां पे इसको मेंशन करता हूं सी सी ए एल कैलेंडर, ठीक है। तो ये देखें सॉरी इसने ऊपर दोबारा क्लियर ये हमने लिखा यहां पे इसका एक बैक कोट मिस, ओके दैट्स इट। तो ये देखें इसने वहां पे पूरा प्रिंट कर दिया टुडे संडे एंड जो नेक्स्ट था वो भी उसने सितंबर यहां पे देख सकते हैं हम सितंबर और उसके बाद ये सारे का सारा इसने पूरे का पूरा कैलेंडर यहां पे प्रिंट कर दिया सितंबर का, ओके। तो इस तरीके से आप यानी कि बैक कोट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोट है बैक, ठीक है, ये यहां पे हमने यूज किया।
और उसके बगैर हम देखेंगे तो वो हमने एज इट इज ही प्रिंट कर देगा, उसका कोई एडवांटेज नहीं होगा। तो ये बैक कोट भी हमने देख लिया। इस तरीके से हमने कुछ चीजें आज देखी जिसमें हम डबल कोट, सिंगल कोट्स, बैक स्लैश और बैक कोट को हमने देखा, इसको आप समझा। आप उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।